press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भिवाड़ी में एक और व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी का मामला सामने आया है, जहां व्यापारी को कुछ लोग रास्ते में रोककर रंगदारी का इंतजाम करने की बात करके चले गए। अभी होली पर एक मिठाई विक्रेता से रंगदारी मांगने के मामले के बाद एक फर्नीचर व्यवसायी से भी 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, जिससे लोग सहम गए हैं। व्यापारी के द्वारा भिवाड़ी फेज 3 थाने में मामला भी दर्ज करवा दिया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार व शुक्रवार को 3 बार पीछा करते हुए बदमाशों ने व्यापारी से रंगदारी देने की मांग की। आरएचबी सेक्टर 4 निवासी आदिश ट्रेडर्स के मालिक नरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि होली के दिन व शुक्रवार को 3 बार मोटरसाइकिलों व कार से 5 युवकों ने उनका पीछा किया। पहले रेमन चौक व हेतराम चौक के पास पहले 20 लाख तथा फिर 50 लाख रुपए देने की मांग करते हुए नरेंद्र उपाध्याय को धमकी दी गई। साथ ही बदमाशों ने हरियाणा के जेल में बंद मिलकपुर निवासी गज्जू उर्फ गजराज गुर्जर को हल्के में नहीं लेने की बात कही। उपाध्याय ने बताया कि मोटरसाइकिल व कार में सवार युवकों का चेहरा खुला हुआ था और वह सामने आने पर उन्हें पहचान भी सकते हैं। डर की वजह से उपाध्याय ने 2 दिन तक चुप रहने के बाद रविवार देर शाम को भिवाड़ी फेज 3 में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पुलिस के द्वारा व्यवसायी को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। पुलिस ने व्यवसायी को साथ लेकर मौका मुआयना भी किया। आपको बता दें कि इस रंगदारी में जिस गज्जू का नाम सामने आ रहा है, वह इसी व्यापारी पर रंगदारी और फायरिंग के मामले में जेल में बंद है, जिसने जेल जाने से पहले राजस्थान हरियाणा यूपी की पुलिस से काफी दिनों तक आंख मिचोली खेली थी। हालांकि भिवाड़ी डीएसपी ने पूरे मामले से बात करते हुए कहा कि इस मामले में जेल में बंद गज्जू को प्रोटेक्शन वारंट पर लाया जा रहा है। परसों पुलिस थाना यूआईटी फेज 3 पे सूचना आई है कि आदिश ट्रेडर्स के नरेंद्र उपाध्याय ने आकर के एक प्रकरण दर्ज करवाया है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि 3 व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल पे एवं कार में आए और उसको धमकी दी कि गज्जू को हल्के में मत रहना और 50 लाख रुपए दे देना, जिस बाबत पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है धारा 387 IPC में, और आसपास की फुटेज खंगाल रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार का है, जिसने कि इस प्रकार की कोई धमकी दी है, उस बारे में पता लगाया जा रहा है, और गज्जू जो कि अभी भोंडसी जेल में बंद है, उससे भी इस प्रकरण के संबंध में अनुसंधान किया। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।